टू माई न्यू ब्लॉग। आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी था। मैं जैसे ही उठा मैं डायरेक्ट ही चला गया था नमाज़ पढ़ने, नहा धो के नमाज़ पढ़ने चला गया था। देन उसके बाद मैं जोहर की नमाज़ पढ़ के, असर की नमाज़ पढ़ के अभी घर आया हूँ वापस। मैंने चेंज किया है, अभी जो है इफ्तारी की तैयारी चल रही है। और ये देखिए मेरे चाचा का बड़ा इसका नाम है मोहित, ये बहुत मस्ती करता है, बहुत मस्ती हो रही है। ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट बच्चा है। तो गाइस आज जो है हो सकता है लास्ट रोज़ा हो, 29th लास्ट रो, या फिर हो सकता है 30 रोज़ा भी हो, कल का भी रोज़ा हो। मुझे तो यही होप है कि कल का भी रोज़ा हो ताकि पूरे रोज़े हो जाएं। और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि अभी मैं शरबत बनाऊंगा। मैंने कहा शरबत बनाओ बिकॉज मैंने कहीं भी थे कहीं पे, मैं शरबत बनाऊंगा और उसके बाद मैं क्या कहते हैं आप लोग दिखाऊँगा आज क्या क्या है क्या क्या नहीं है। और भी आप कुछ कहना चाहते हैं क्या? यही सचत बदतमीज का है। तो चलिए शरबत बनाते हैं और फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या करता हूँ क्या क्या नहीं आज के दिन में। तो सबके लिए मेरे साथ रहिएगा, इस लोग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मम्मी ने कहा शरबत बना लो तो मैं शरबत बना रहा हूँ। देखें शरबत बन चुका है, मैंने बना लिया है, उसमें मैंने बर्फ भी डाल दिया है। थैंक यू। तो मैंने शरबत बना दिया है और मैं बर्फ भी डाल दिया है। और तो फिर अभी ये रख लेते हैं ढक के, सब कुछ डाल दिया है। अब गिर जाता, अभी सारा शरबत गिर जाता। रुक नहीं सकती है मेरी बहन, अपना मुंह देखे अपना गंदा थोपड़ा लेके आना है ब्लॉग में कि हम भी देखे दुनिया में देखे। तो इसको देखो तो गाइस शरबत रेडी हो चुका है, छोले भी रेडी हो चुके हैं। अब और कुछ आइटम आएंगे अदान में, अभी 20 या 10 मिनट या फिर कुछ ऐसे ही मिनट्स हैं, ये हो जाए देन फिर उसके बाद इफ्तारी होगी, फिर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। सर्व हो चुकी है, आज हमारे पास ये फ्रूट है और हमारे पास पकौड़े हैं, चार डमीने सर्व कर लिए, ये केचप है, वहाँ शरबत है। तो आज कुछ ये आइटम्स हैं और हम लोग इसी से रोज़ा खोलेंगे। और ये शरबत भी आ चुका है, मेरी चाट भी आ चुकी है, पकौड़े भी हैं, फ्रूट भी हैं। तो चलिए अभी थोड़ी देर में अज़ान होती है तो इफ्तारी करते हैं। अज़ान हो गई थी और मैंने रोज़ा खोल लिया, मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं, मैंने जो है रोज़ा खोल लिया। तो अभी खा पी के फिर आप लोगों से उसके बाद मिलता हूँ। तो गाइस मेरा सबसे फेवरेट फूड जो है वो है चना चाट, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। दोस्तों अभी मैंने इफ्तारी कर लिया, अभी मैं जा रहा हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए, नमाज़ पढ़ के आता हूँ फिर आप लोगों से बात करता हूँ। मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ, अभी मैं घर पहुँचा हूँ। तो अभी हम लोग देख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए टीवी ऑन करके देखूँगा, चाय पीऊँगा, देन फिर उसके बाद मैं आप लोगों से बातें करूँगा बिकॉज अभी मैं थक चुका हूँ। इफ्तारी के बाद मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता है, नमाज़ पढ़ने के बाद मतलब बहुत ज़्यादा थक जाता है। टीवी ऑन है, स्प्लिट फिलर चल रहा है, लोग देख रहे हैं। तो अभी चलता हूँ, चले मैं चाय पी लेता हूँ, देन उसके बाद बिस्किट खा लेता हूँ, फिर आप लोगों से बात करता हूँ। तो अभी मैं नमाज़ पढ़ के आ चुका हूँ ईशा की, और आज तरावियाँ नहीं हुई, फायरिंग हो रही थी। ऐलान हुआ कि आज जो है चांद रात है, चांद नजर आ चुका है, बट मुझे बाहर कोई चांद नहीं नजर आया, मैं सच्ची बता रहा हूँ आप लोगों को। बट आज चांद रात है, अभी चांद रात है, मैंने कपड़े भी आयरन कर लिए कल ईद के, और मैंने मुझे बहुत सारे काम भी करने, थोड़े बहुत वो भी मैंने कर लिए। तो अभी मैं जो है थोड़ी देर बैठ गया चेंज करके, फ़ोन वगैरह यूज़ कर रहा था, तो इट्स क्लियर कि आज चांद रात है, अभी चांद रात है और कल ईद है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी तो शेड्यूल बिल्कुल बिजी हो चुका है, मतलब ऐसे हबड़ दबड़ बच गई है कि पता नहीं था कि आज 29th पे, बिकॉज पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है कि 30 रोज़े हों, 29 मस्ट है, 29 ही होते हैं। तो आज रमज़ान ख़त्म हो गया, बहुत दुख हुआ, अलविदा रमज़ान। और मिलते हैं इंशाल्लाह कल ईद के दिन, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ब्लॉग बनाऊंगा मैं, आप लोगों को सब कुछ दिखाऊंगा। तो इसी के साथ आज के ब्लॉग के चांद रात के साथ करते हैं एंड, बिकॉज बहुत सारे काम हैं, काम करने, कपड़े वगैरह आयरन तो कर लिए, अगर कोई अच्छी एक्टिविटी हुई तो दिखाऊंगा आप लोगों को ज़रूर। तब तक के लिए स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, मेरे साथ रहिए, ब्लॉग को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, और कल के ईद के ब्लॉग के लिए वेट कीजिएगा। एंड आई होप आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। और रमज़ान में यही रूटीन थी, अब तो रमज़ान ख़त्म हो चुका है, इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग जो आएंगे उसमें थोड़ी बहुत एक्टिविटीज़ होंगी। तो मेरे साथ रहिएगा, इस ब्लॉग को लाइक कीजिएगा, स्टे ब्लेस, स्टे हैप्पी, अल्लाह हाफिज़। और हाँ आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक।